हाँ जी दोस्तों नमस्कार, अमर मोटर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों एज प्रोमिस मारुति इको 2015 मॉडल अभी हमारे पास आ चुकी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर मोटर को सब्सक्राइब जरूर करें। जो गाड़ी रहने वाली है दोस्तों सीएनजी के साथ ऑन पेपर मिलेगी, 5 सीटर गाड़ी रहेगी। गाड़ी में फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी आपको, गाड़ी में सीएनजी भी मिलेगी, गाड़ी में 5 सीटर की फैसिलिटी मिलेगी, फर्स्ट ओनर गाड़ी मिलेगी, डीएल रजिस्ट्रेशन गाड़ी मिलेगी और साथ के साथ चारों ही टायर ब्रांड न्यू देखने को मिलेंगे गाड़ी में। सो गाड़ी की कंप्लीट वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो दोस्तों फ्रंट से बात करते हैं, ओरिजिनल हेडलैम्प मिलेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी रहने वाली है दोस्तों, 5 सीटर में गाड़ी रहने वाली है। एयर कंडीशनर, एसी, सीएनजी आपको गाड़ी में देखने को मिलेंगी। लेट ना करते हुए लेके चलते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर का हम बाद में कवर करते हैं दोस्तों। अगर बात करें इंटीरियर की, सो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं दिखाता हूँ, ओरिजिनलिटी के साथ गाड़ी रहने वाली है, कोई भी हल्का फुल्का टचिंग वगैरह गाड़ी में हुई है, अदरवाइज बिल्कुल मिंट कंडीशन की गाड़ी रहने वाली है दोस्तों। बात करें रनिंग की, जो ओन जेन्युइन रनिंग है 65,425 किलोमीटर गाड़ी की रनिंग है। ऑडोमीटर की बात करें वही एज यूजुअल मैनुअल रहने वाला है जो और सभी गाड़ियों में रहने वाला है। सीएनजी यहीं से हमें देखने को मिल जाती है। एयर कंडीशनर की फैसिलिटी गाड़ी में अवेलेबल है दोस्तों। म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में इंस्टॉल्ड नहीं है, वो हटाया गया है, आपको इंस्टॉल करा सकते हैं। स्पीकर डैशबोर्ड पे हमें दोनों देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर रूफ़ की बात करें, रूफ़ की कंडीशन बड़ी अच्छी खासी रहने वाली है। सो 5 मैनुअल गियर के साथ है दोस्तों। एक बार बैक साइड में जो विंडो है बिल्कुल स्मूथली रहने वाली है। अगर बात करें गाड़ी के गलावट या जंग के लिए, गाड़ी में कहीं किसी भी तरह का कोई जंग या गलावट नहीं है। और जैसे आप ये देख पा रहे होंगे मैंने अभी हटाया, ये ओरिजिनल गाड़ी रहने वाली है। आप चाहें तो यहाँ पे एक अलग से स्ट्रिप लगवा सकते हो ताकि जो बैरिंग है उसके निशान से जंग वगैरह ना आए। ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन रहने वाली है। सीएनजी सिलेंडर है जो इसमें 16 केजी का सिलेंडर इंस्टॉल्ड कराया गया, आफ्टर मार्केट सीएनजी लगी है, क्योंकि ओवरऑल ये प्योर पेट्रोल में इस गाड़ी की रनिंग है दोस्तों। जंग की बात करें तो गाड़ी में कहीं पर भी मुझे जंग देखने को नहीं मिल रहा है, स्मूथ बिल्कुल गाड़ी स्मूथ रहने वाली है। टायर हेल्थ देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर रहने वाले हैं, चारों ही टायर ब्रांड न्यू देखने को मिलेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं नीचे साइड से दिखाऊं, कहीं पर भी कोई जंग देखने को नहीं मिल रहा, हल्का फुल्का मिलेगा दोस्तों। 15 मॉडल है, लास्ट महीने की है, तो उस अकॉर्डिंग तो हल्का सा जंग मिलेगा। एक बार डिग्गी स्पेस अवेलेबल करते हैं, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो डिक्की स्पेस है दोस्तों बिल्कुल अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि जो गाड़ी अभी तक रनिंग हुई है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ अभी। अगर आप ये जॉइंट्स की बात करें, ये देखिएगा दोस्तों बिल्कुल कंपनी एज इट इज़ कंपनी कलर में है, कोई भी सीट वगैरह इसमें इंस्टॉल नहीं करवाई गई है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कोई भी अलग से स्क्रू का कोई निशान नहीं है। सीएनजी सिलेंडर फिटमेंट है जो बिल्कुल बेहतरीन फिटमेंट के साथ सीएनजी सिलेंडर इंस्टॉल करा गया। अगर आपको ये पैसेंजर यूज में चलानी है गाड़ी, तो हमारी यहाँ पे 3-3 पैसेंजर या 2-2 पैसेंजर की सीट कैपेसिटी है। 2 इस साइड आ जाएंगे, 2 इस साइड, 1 पैसेंजर यहाँ पे फट्टा लग के उस पर भी आ सकता है। ओवरऑल देखिएगा, अगर बात करें कहीं से भी कोई पिलर का या किसी भी तरह का कोई काम गाड़ी में आज तक ना तो हुआ है और ना ही कोई डिमांड है गाड़ी में। ओवरऑल कंडीशन देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी रहने वाली है। अगर जंग की बात करें, ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स में पानी लगेगा, जंग आएगा, बट ओवरऑल कोई फालतू किसी भी तरह का जंग गाड़ी में देखने को नहीं मिल रहा। अगर बात करें एक्सटीरियर की, और कलर जो रहने वाला गाड़ी का ओरिजिनल कलर रहने वाला है। रनिंग जो अभी मैंने आपको बताया रनिंग गाड़ी की है 62,000 रनिंग है, उस अकॉर्डिंग बिल्कुल
प्योर पेट्रोल में ही गाड़ी की रनिंग हुई है। सीएनजी सिलेंडर है जो अभी अराउंड 1 ईयर पहले ही लगवाया गया इस गाड़ी में, और उसके बाद गाड़ी की रनिंग है अराउंड 3 या 4 हज़ार किलोमीटर या 5-10 हज़ार किलोमीटर ही चली है। बेहतरीन गाड़ी रहने वाली है, इंजन से बिल्कुल टाइट रहने वाली है, मैकेनिकल काम गाड़ी पे कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। हुड ओपन करके एक बार आगे से भी दिखाऊंगा मैं। ओवरऑल देखिएगा दोस्तों, हर गाड़ी का तकरीबन यहाँ से जरूर कम हुआ मिलता है, बट ये गाड़ी जो रहने वाली है बिल्कुल ओरिजिनलिटी के साथ रहने वाली है। सो दोस्तों, जैसे हुड ओपन हमने कर लिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे जो फिटमेंट है गाड़ी की बिल्कुल एज इट इज़ कंपनी फिटेड है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी रहने वाली है। जो स्टिकर आप देख पा रहे होंगे वो एज इट इज़ कंपनी से जैसे आए हैं वो एज इट इज़ रहने वाले हैं। अगर बात करें फिटमेंट की, जो हाइड्रोलिक टेस्ट वगैरह है उसकी बात करें, तो जो इसमें सीएनजी इंस्टॉलेशन है वो हुई है 2021 में, माफ़ करिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला तो, और जो नेक्स्ट टेस्टिंग ड्यू है वो है 2025 में। ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन है दोस्तों, कोई जंग वगैरह एक्स्ट्रा गाड़ी में देखने को नहीं मिल रहा। सीएनजी अगर रिफिलिंग की बात करें तो हुड ओपन करा के यहीं से हमें सीएनजी रिफिल करानी पड़ेगी। 5 सीटर गाड़ी रहने वाली है, कन्वर्ट आप करा सकते हैं 7 सीटर में भी, एयर कंडीशनर रनिंग में है। ओवरऑल कोई गाड़ी पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है दोस्तों, कोई भी एक पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें प्राइसिंग के लिए, प्राइसिंग की बात करने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा, अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये हल्का सा स्क्रैच है, जो जैसे बच्चों ने कुछ पेन से लिख देते हैं, पेंसिल से लिख देते हैं, ऐसा हल्का सा स्क्रैच मुझे बम्पर पे बोनट पे देखने को मिला है। ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन गाड़ी की, पर्सनली मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, सीएनजी ऑन पेपर गाड़ी है, कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन लाजवाब रहने वाली है दोस्तों। अगर बात करें प्राइसिंग के लिए, उससे पहले नंबर देखिएगा 5256 डीएल रजिस्ट्रेशन, तो प्राइसिंग है जो ओनर की एक्सपेक्टेड डिमांड है दोस्तों वो है 2,70,000 रुपये इस गाड़ी की ओनर की एक्सपेक्टेड प्राइस है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके आते हैं, वीडियो शेयर करके आते हैं, उस पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। बेहतरीन गाड़ी रहने वाली है, मिंट कंडीशन की गाड़ी रहने वाली है दोस्तों। सो आपकी नीड जैसी भी है आप आइएगा, गाड़ी देखिएगा, पसंद आती है तो परचेज़ करिएगा, अदरवाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। पर्सनली राय में अगर मैं बात करूं, जो 15 मॉडल मैंने अभी तक गाड़ियां देखी हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर गाड़ी रहने वाली है दोस्तों। सो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताएं, कहां से आप गाड़ी देख रहे हैं। साथ के साथ इस गाड़ी का एक मैं बताना भूल गया, अगर बात करें फाइनेंस फैसिलिटी की, दिल्ली के रजिस्ट्रेशन पे, दिल्ली की आईडी पे फाइनेंस फैसिलिटी इस गाड़ी पे अमर मोटर की तरफ से अवेलेबल है दोस्तों। सो दोस्तों, कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में आपकी एक और डिमांडेबल गाड़ी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।